चिल्ड्रन, आज हम लोग यहाँ पे एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं और उस लेसन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि हम लोगों के इस पूरे जीव जगत में, इस बायोस्फेयर में आपने कितने तरह के जीव देखे। बहुत तरह के जीवों को हम लोग देखते आए हैं। क्या हम उनको अलग अलग श्रेणियों में रख सकते हैं? रख सकते हैं? अच्छा, एक बच्चा मुझे उदाहरण दीजिए कि हम किस श्रेणी में रख सकते हैं जीवों को। वन में रहने वाले जीव। अच्छा, जल में, मैदान में, वायु में। अच्छा, सिट डाउन। सबसे पहले तो हम जीव क्या होता है इसके बारे में जानें। जीव क्या होता है? जिसमें जान होती है। तो जिसमें जान होती है तो वो पेड़ भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, मतलब प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो। तो जीव जगत में दो तरह के प्राणी होते हैं। उन जीव जगत को जो हम कहते हैं दो तरह के, तो उन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं जीव जगत में? नो, ये जीव जो है दो तरह का है। एक प्राणी और दूसरा पौधे या वनस्पति। नहीं समझे? एक जीव जगत में प्राणी जगत है जिसमें सारे जिंदा एनिमल्स, उसमें हम भी हैं, उसमें हम इंसान भी आ जाते हैं, वो प्राणी जगत कहलाता है, जूलॉजी। समझते हो ना, जूलॉजी। एक होता है बॉटनी, मतलब जो उनमें हम सब कुछ पौधों को रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते। पौधे और प्राणी दो तरह के जीव जगत हैं और इसमें करोड़ों जीव हैं। कितने जीव हैं? करोड़ों जीव। और आप अगर अपनी पुरानी क्लासेस को याद करो, क्लास 6th and 7th में मैंने पढ़ाया था कि ये सब प्राणी अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जिन अलग अलग जगहों पर रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? वास स्थान, हैबिटेट। क्या कहते हैं? हैबिटेट या उसका वास स्थान। अब आप वास स्थान के बारे में मुझे बताएंगे कि कितने वास स्थान आप जानते हैं? प्राणियों के या पौधों के कितने वास स्थान हो सकते हैं? अपनी अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए कि कितनी वास स्थान किसी भी प्राणी के हो सकते हैं। जो अभी आपने मुझे बताया था ना कि अलग अलग जगहों पर प्राणी रहते हैं, कितने हो सकते हैं आप लिखो। नहीं, वास स्थानों के नाम बताओ। एक एक का बताओ। मछली कहाँ रहती है? जल में। तो जल एक वास स्थान हुआ। हुआ बंदर कहाँ रहता है? पेड़ों में या वन में रहता है। ये एक वास स्थान हुआ, मतलब थल, मतलब थल हुआ, जल हुआ। अच्छा, पक्षी हवायु में, तो वायु एक जगह हुई। अच्छा, सिट डाउन। ऊंट कहाँ रहता है? मरुस्थल में, मतलब रेगिस्तान, उसका एक वास स्थान हुआ। अच्छा, पोलर बेयर, पोलर ध्रुवीय भालू, सफेद भालू पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है। अच्छा, हिप्पोपोटामस नदी में, दरियाई घोड़ा कहाँ रहता है? अच्छा, ये तो हम लोगों ने कहा। अच्छा, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछती हूँ, कमल का फूल कहाँ रहता है? इसका मतलब कि जल जो है उसमें केवल प्राणी ही नहीं, पौधे भी रहते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रही हूँ,
आप सब लोग भी अपने अपने कॉपी में ये चार्ट बनाएंगे इस तरह से कॉलम्स। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं जल। जल मतलब जल उसका वास स्थान है, उसके रहने की जगह है। जल, जल में दिव्या एक एनिमल और एक प्लांट, कम कम एयर एंड राइट, एक एनिमल और एक पौधे का नाम, एक पौधे का नाम और एक जानवर का नाम लिखिए जो जल में रहता है। वेरी गुड। इसने लिखा है कछुआ, टॉर्टोइस, लेकिन वो दोनों जगह रहता है, थल में भी जल। इसको कहते हैं उभयचर, है ना? एम्फीबियन जो होते हैं दोनों जगह रहते हैं। सिंघाड़ा, लेकिन सिंघाड़ा किसका फल है? कमल, कुमुद नहीं। सिंघाड़ा एक फल है जो पानी में उगता है। अच्छा, एक और जो जल में रहते पौधे, जलकुंभी, कमल, कुमुदनी। अच्छा, जल में रहने वाला, रुबैदा आप आओ, एक ऐसे जीव का नाम बताओ जो जल में रहता है। मछली, जो सबसे कॉमन जीव है, जो जल के बिना जिंदा रह ही नहीं सकती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगी, सब लोग सोच के इसका उत्तर दीजिएगा। आंचल यहाँ आप यहाँ आओ एक मिनट। आप सबको मालूम है कि मछली कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? जल में रहती है। जब मछली जल में रहती है तब वो सांस कैसे लेती है? गिल से। तो हमारे गिल्स हैं क्या? हमारे लंग्स हैं। और मछली गिल्स से सांस लेती है, कौन सी गैस? ऑक्सीजन लेती है। लेकिन जब फिर हम उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो मर क्यों जाती है? एक मिनट सोच के बताइए कि जब मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है तुरंत, क्यों मर जाती है? पानी में ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पानी में ही। कैसे? पानी में क्या घुला है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और जो हम लोग जो सांस ले रहे हैं, सांस लीजिए, क्या पानी जा रहा है? लेकिन मछली के जो गलफड़े होते हैं, मछली का मुंह देखा है ना आपने, ऐसे होता है ना, और यहाँ पे इसके गलफड़े होते हैं, ठीक है, होते हैं ऐसे, होती है ना ये मछली, यहाँ पे इसके एक छेद होता है, उसमें पानी अंदर गया, यहाँ पे खूब सारे गलफड़े हैं, उसपे जैसे पंखे में वो शीट्स होती है ना कागज की, ऐसी वाली पतली 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 खूब सारी शीट्स होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड होता है, खून होता है, वो खूब सारे पानी को अपने अंदर खींचता है, तो उसमें पानी में जो घुली ऑक्सीजन होती है वो उसमें चली जाती है ब्लड में, लेकिन हमारे नाक में जाएगी? हमारे नाक में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उल्टा पानी चला गया तो मर जाएंगे, है ना? हमारे साथ उल्टा ही है कि अगर हम पानी में रहेंगे तो मर जाएंगे और मछली बाहर आएगी तो मर जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में कोई एक ऐसी बनावट है, ये गिल्स हैं जो उसको पानी में रहने के लिए उपयुक्त हैं, जो उसको पानी में रहने के लिए जिंदा रखते हैं। तो पहला जो हमने जल में रहने वालों का अडेप्टेशन देखा, जो उनका एक अनुकूलन देखा, वो था गलफड़े। क्या था? गलफड़े, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ले सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके मन में कभी प्रश्न उठा है कि मछली हर समय पानी में रहती है लेकिन कभी भी उसका शरीर गलता नहीं है? आप उंगली डालिए थोड़ी देर के लिए पानी में, ये पानी है, सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ बेटा, हाँ चल, ये पानी है ना, आप इसमें थोड़ी देर के लिए हाथ डाल दीजिए ऐसे, है ना, ठंडा भी लग रहा है, ठंड महसूस हो रही है, आप हाथ डालो, देखो पानी ठंडा है। मछली कैसे रहती है? इसी पानी में रहती है ना। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे पानी में हाथ को डाल के रखते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा? और गल जाएगा,
गल जाएगा। एक मिनट पकड़ो उसको। आंटी इसकी जो आगे की वो आंटी ये देखिए क्या कागज है ना, है कागज को पानी में डालो, उठाओ आंटी देखिए, उठाओ और ये भी उठाओ। क्या ये कैसा हो गया, छुओ ऐसे गोला बनाओ, गोला बनाओ बन जाएगा, गल गया। तो मछली क्यों नहीं गलती, मछली क्यों नहीं गलती, या क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ वो क्यों नहीं गलता, उसका शरीर हमेशा ठीक कैसे रहता है। आंटी उनके शरीर, आंटी उनके शरीर में ना आंटी कोई पतली पतली लेयर होती होगी क्या, घी की चिकनी वही क्या, घी की चिकनी, घी की चिकनी। हाँ और सोचो जल्दी सोचो क्या, आंटी के शरीर में बाल होते हैं, बाल नहीं, बाल नहीं कटी जाएंगे। एक मिनट में चित्र बनाऊंगी, सबको याद आ जाएगा। शल्क, मछली का पूरा शरीर शल्कों से ढका होता है, उनके स्किन नहीं होती, स्किन के ऊपर शल्क लगे होते हैं, और जो शल्क होते हैं वो जो नाखून को छुओ, छुओ नाखून को, क्या वो गीला होता है, क्या गलता है। अब जिसने हाथ देखिए, एक मिनट देखिए, आंचल ने इतनी देर पानी में हाथ रखा था, अब यहाँ देखो उसको छूके, यहाँ छूके देखो, आंटी गल रही है। नहीं उंगली गल रही है, लेकिन पीछे नाखून, नाखून नहीं गला, नाखून को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उंगली गलने लगी, उंगली गलने लगी, नाखून को कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसका जो शरीर होता है। एक मिनट, मछली का पहला हम लोगों ने अडेप्टेशन क्या देखा, गल पड़े। दूसरा, इसका पूरा शरीर शल्कों से ढका रहता है, जिसकी वजह से मछली कभी भी गीली नहीं होती। आप मछली को हाथ से यो छू के बाहर निकाले, चिकनी होती है, फिसल जाती है, और वो कभी भी गीली नहीं होती। हम लोगों के शरीर में नेल्स कभी भी कितनी भी देर हाथ हम लोग पानी में डाल के रखेंगे ये नहीं सुकड़ेंगे, इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी स्किन को हो जाएगा। तो मछली में आपने देखा गलफड़े हैं, शल्क हैं। और एक और प्रश्न आपका था कि मछली को कभी भी ठंड नहीं लगती, हम लोग को तो ठंड लगती है, लेकिन मछली को ठंड नहीं लगती है, क्यों? अच्छा एक प्रश्न और छोटा सा, आज आपको ठंड लग रही है, बहुत लग रही है, क्या किसी ने सोचा है आज का बाहर का तापमान कितना है, कितना 21। आज अभी हमारा जो तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 21 डिग्री सेल्सियस। ये आज हमारा टेम्परेचर, हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक है। और आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है, हमारे शरीर का, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, बुखार आता है ना जब हम गर्म हो जाते, हमारे शरीर का तापमान साधारण कितना रहता है, 36 डिग्री सेल्सियस रहता है, हमेशा इतना ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसान है, इसके शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग जो थर्मामीटर देखते हैं ना वो फ़ारेनहाइट है, जब उसमें 100 हो जाता है तो हम कहते हैं बुखार हो गया, लेकिन वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36 डिग्री हमारा बॉडी टेम्परेचर है। क्या है ये बॉडी टेम्परेचर? जब हमारे शरीर का तापमान, मतलब हमारे ब्लड, सब लोग समझिए इस बात को, जब हमारे ब्लड का तापमान 36 है और बाहर 20 है, बाहर कितना है 20 है, तो हमें महसूस होगा नहीं होगा, हमें ठंड महसूस होगी, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर से वो टेम्परेचर बहुत कम है। लेकिन मछली में ऐसा नहीं होता, मछली में जो टेम्परेचर पानी का होता है वही उसका भी हो जाता है, नहीं समझे? वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं।
मतलब हमारा शरीर का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है 36 से ऊपर नीचे नहीं होता, जब बुखार होता है तभी होता है। जब हमें बुखार हो जाता है तभी वो ज्यादा हो जाता है, नहीं तो वो 36 ही रहता है। जब बहुत ज्यादा सुबह के समय ज्यादा ठंड लगती है कि इस समय सुबह के समय हमारे वातावरण का तापमान 10 डिग्री होता है, 8 डिग्री होता है, अभी जनवरी आ जाएगा तो 2 डिग्री भी हो जाएगा, 3 डिग्री भी हो जाएगा, तब बर्फ के समान ठंड लगेगी। हमारे शरीर का जो खून है वो जम सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में वो ताकत नहीं है कि हम अपने शरीर को उसके अकॉर्डिंग ढाल लें। अगर उसके अकॉर्डिंग ढाल लेंगे तो फिर हमको गर्म कपड़ों पहनने की जरूरत क्यों है, फिर हमें गर्मी क्यों, फिर हमें ठंडी नहीं लगेगी। अब आपको पता चला कि मछली को ठंड क्यों नहीं लगती है, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर उसके टेम्परेचर से मैच कर जाता है जो पानी करने, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। अगर हमारा 36 डिग्री है और 21 हमारे एटमॉस्फेयर का है तो हमें ठंड लगेगी। अच्छा, अगर इससे ज्यादा हो जाए, वातावरण का टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए तो गर्मी लगेगी। 40, 41, 42 हो जाता है ना अप्रैल में, हम लोग पंखे चलाते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, क्योंकि हम लोग 30 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर होता है उसमें नॉर्मल फील करते हैं। मतलब अगर 30 डिग्री के आसपास जब तापमान होता है तो हमारे शरीर को कुछ नहीं होता, न गर्मी लगती है न सर्दी लगती है, एकदम नॉर्मल लगता है। ठीक बात है। अच्छा, अब सब लोग अभी जो हम चार्ट बना रहे थे हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी आपने ये कहा कि जो मछली है उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। अच्छा, मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगी आपसे। मुझे आम के पेड़ उगाने हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोस्टल एरिया है, मतलब जैसे मुंबई है, कोचीन है, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पानी का किनारा समुद्री किनारे ज्यादा है और जहाँ की जो मिट्टी है वो बालू जैसी है। तो मैंने क्या किया, आम की गुठली को समुद्र में उगा दिया, मतलब पानी में डाल दिया, क्या वो उगेगा? सड़ जाएगा। अब बताइए, जैसे मछली पानी के बिना मर गई तो ऐसे आम का पेड़ मर गया, उसको हमने समुद्र में डाला वो तो उगा ही नहीं, उगेगा? नीम का पेड़ उगेगा? सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बीज है उसको गर्म क्लाइमेट चाहिए, मतलब गर्माश चाहिए, मिट्टी चाहिए जो जमने के लिए, वो चीजें उसको समुद्र में नहीं मिल रही, नदी में नहीं मिल रही। इसका मतलब केवल जानवर ही नहीं, पौधे भी, जो पौधे भी होते हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उनके शरीर की संरचनाएं भी ऐसी होती हैं कि जो केवल उसी वातावरण में काम करती हैं, केवल उसी वातावरण में वो उग सकता है। समझ रहे हैं? जैसे हमने जल का बताया, अब हम आपको थल पे रहने वाले जीवों के नाम बताओ। चांदनी, थल पे रहने वाले या मतलब जंगलों में, वनों में, मैदानों में रहने वाले जीव का नाम लिखो जल्दी, सब लोग लिखिए। थल पे रहने वाले जानवर का नाम लिखिए। आओ बेटा, आप आओ बीना। थल पे रहने वाले बस दो, शेर और चीता जंगलों में रहते हैं, है ना? अच्छा, थल पे रहने वाले पेड़ों का नाम लिखो, जो बड़े बड़े पेड़ उगते हैं थल पे, आम, नीम, बहुत सारे हैं, दो लिखो। ये सारे शेर, चीता, नीम, आम, ये सब कहाँ पर हैं? थल पर रहने वाले जीव हैं। इसके बाद एक और जगह होती है जिसको हम लोग कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थल में रहने वाले, चलाओ जल्दी, सुशीला आप मरुस्थल में रहने वाले जानवर का नाम लिखिए। आप मरुस्थल में रहने वाले पेड़ का नाम लिखिए। मरुस्थल होता क्या है? जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है, रेत होती है, हाँ, कैक्टस,
यहाँ पे कैक्टस कटीली झाड़ियां उगती हैं। ऊंट और नागफनी, एक है पर्वतीय, देखिए डेजर्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक ब्राउन डेजर्ट एक व्हाइट डेजर्ट, वो भी डेजर्ट ही है। व्हाइट डेजर्ट कौन सा होता है? सफेद डेजर्ट, जहाँ केवल बर्फ होती है, बर्फ से ढका होता है, अंटार्कटिका, उसको हम लोग व्हाइट डेजर्ट भी कहते हैं। पर्वतीय, बेटा आप आओ, पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा एनिमल रहता है? पेंगुइन, वेरी गुड, पेंगुइन। देखो नया नाम पढ़ा हम लोगों ने आज, पोलर बेयर, पांडा, पांडा और लिखो नहीं वो अलग तरह के कुत्ते हैं, रेनडियर, रेनडियर, याक, ये सारे जानवर पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी क्या विशेषता है? बस इनकी ये विशेषता है कि इनके शरीर पर लंबे लंबे और इनकी स्किन बहुत। अब हमने ये सब बातें जान ली कि जल में, थल में, मरुस्थल में और पर्वतीय क्षेत्रों में, वनों में, मैदानों में, वायु में नहीं लिखा हम लोगों ने कि वायु में कौन कौन से जीव रहते। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मछली केवल पानी में रह सकती है, ठीक है ना, मछली केवल पानी में रह, वो थल पे कभी रह ही नहीं सकती। अगर मैं एक चिड़िया को ये कहूँ कि तुम पानी में रहो, या हम चिड़िया को बोले तुम तैरो जाके पानी में, क्या स्विमिंग करो, करेगी? या हम मछली को बोले उड़ो, नहीं, कोई कोई मछली उड़ती है, डॉल्फिन जरा सा उड़ के फिर अंदर जंप कर जाती है, जरा सी उछल के वो चली जाती है, वो अलग है डॉल्फिन। लेकिन क्या कोई पक्षी पानी में जिंदा रह सकता है? या हम बंदर को कहें कि तुम उड़ने लग जाओ, हम बंदर से कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं कि तुम भी पक्षियों की तरह उड़ो, इसका मतलब जैसे मछली में कोई कारण था ना, ऐसे उसमें भी कोई कारण है जिसकी वजह से वो उड़ सकती है। क्या कोई बताएगा उसकी शरीर की संरचना? पंख है और हड्डी खोखली और हल्की, उनका शरीर का जो वजन है ना बहुत कम, बहुत कम, जो पंखों से ढका होता है हल्का होता है। कोई भी चीज जब हल्की होती है, क्या हल्की है? देखो मैं उड़ाऊं उसको, उड़ गया। अगर मैं चौक को उड़ाऊं, देखिए भारी है, हल्की चीजें उड़ती हैं। इसी तरह से क्योंकि पंख ऐसे होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए वो उड़ जाती है। अब आप सब लोग एक परिभाषा लिखिए, सब लोग एक परिभाषा लिखिए अनुकूलन की। पत्ते पानी में तैरते क्योंकि हल्के होते हैं ना, बतख, हाँ बतख इसीलिए पानी में तैरती है, वेरी गुड आंसर। जो बतख के पैर होते हैं ना उसमें जाल होता है, वो अपने आप को ऐसे ऐसे कर लेती है, लेकिन वो आकाश में उड़ती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उड़ती है। बगुला, उसके भी जालीदार जिसके पैर होते ना, वो पतवार की तरह उनके पैरों में बेटा ऐसे होता है। इसने बोला कि जो बतख होती है वो कैसे पानी में तैरती है, उसके जो पैर होते हैं ना ऐसे होते हैं और इनमें जाल बना होता है। ये बतख के पैर है, बतख का शरीर तो यहाँ है और ये इसके पैर है, इसमें जाल होता है, जाल से ये पानी को ऐसे ऐसे पतवार की तरह चलाती है और तब वो तैर लेती है। अच्छा, मैं आपको अभी एक परिभाषा लिखवाने जा रही हूँ, इसको लिखिए, लिखो आकृति, सब लोग लिखो आकृति, आकार, रंग, रूप, सब लोग लिखिए आकृति। आकृति क्या होता है? आकार, रंग, रूप, रंग रूप मतलब उस जानवर का रंग, संरचना, संरचना मतलब बनावट, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी, तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन, लक्षणों में ऐसा परिवर्तन
जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है अनुकूलन कहलाता है। सब लोग फिर से सुनो और लिखो। आकृति, आकार, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता देता है अनुकूलन कहलाता है। राकेश को रीड करो जो अभी मैंने लिखवाई है, जो परिभाषा लिखवाई है इसको पढ़ो। एक जना आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधित लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करता है उसे अनुकूलन कहलाते हैं। सबको परिभाषा पता चली? ये जो अलग अलग लक्षण होते हैं जीवों में, ये इसको उसमें रहने में सहायता करते हैं और इन्हीं चीजों को हम अनुकूलन कहते हैं। अब आज का लेसन समाप्त। अब हम लोग होम असाइनमेंट, घर में आप क्या करोगे? मेरे को कम से कम 10-10 एनिमल्स और 10-10 पौधों के नाम लिखकर लाओगे जो अलग अलग वास स्थानों में रहते हैं और उनमें क्या अनुकूलन है। केवल नाम नहीं, अनुकूलन भी। जैसे नागफनी है, नागफनी का अनुकूलन, ऊंट है तो ऊंट का अनुकूलन भी लिख के लाओगे। चाहे 5-5 ही लिख लो, 10-10 मत लिखो। हाँ, तो एक ही अनुकूलन तो होगा पांचों का अनुकूलन तो एक ही होगा ना। अगर तुम 5 पक्षियों के नाम लिख दो, तोता, मैना, चिड़िया, लेकिन अनुकूलन तो एक ही कहलाएगा ना। इस तरह से एक एक अनुकूलन और 5-5 उदाहरण लिख के लाओगे। थैंक यू चिल्ड्रन।